हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल माइनिंग नॉलेज। दोस्तों, आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे टाटा स्टील में दोस्तों जो वैकेंसी आई थी जूनियर इंजीनियर ट्रेनिंग के लिए। तो जानेंगे दोस्तों माइनिंग में आपका एग्ज़ाम पैटर्न किस टाइप से होगा। दोस्तों डिस्कस करेंगे एग्ज़ाम सिलेबस, सैम्पल पेपर किस टाइप का होता है दोस्तों माइनिंग का, आपका कटअप कितना जाता है एस सी एस टी ओ बी सी जनरल के लिए, और दोस्तों आपका मार्किंग स्कीम किस टाइप से होता है एग्ज़ाम में, ए टू जेड डिस्कस करेंगे दोस्तों इस वीडियो में। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको इसी तरह इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आपका कौन कौन सा सब्जेक्ट आएगा दोस्तों एग्ज़ाम में और कौन सा सब्जेक्ट में कितना क्वेश्चन होगा। तो दोस्तों आपका जो डिप्लोमा है, जैसे कि आपका माइनिंग ब्रांच है, तो दोस्तों उसमें से सिर्फ आपको 50 क्वेश्चन दिया जाएगा एग्ज़ाम में। जीके से दोस्तों आपको टोटल 15 क्वेश्चन आ सकता है एग्ज़ाम में। इंग्लिश में भी दोस्तों टोटल 5 क्वेश्चन मिलेगा आपको एग्ज़ाम में, और मैथ में दोस्तों 30 क्वेश्चन दिया होगा एग्ज़ाम में। ये है दोस्तों एग्ज़ाम पैटर्न, आपका कौन सा चैप्टर से कितना क्वेश्चन आएगा। दोस्तों ये 4 चैप्टर रहेगा, सब मिला के दोस्तों टोटल 100 क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में दिया जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों दूसरे चीज़ के बारे में, मार्किंग स्कीम के दोस्तों बात करेंगे। दोस्तों अगर आप एक क्वेश्चन सही बनाते हैं तो आपको टोटल 3 मार्क्स दिया जाएगा, और अगर आपका एक क्वेश्चन गलत होता है तो दोस्तों 1 मार्क्स डिटेक्ट कर लिया जाएगा। मीन्स आपका जो एग्ज़ाम होगा वो टोटल 300 नंबर का होगा। दोस्तों 100 क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन दोस्तों 3 नंबर का, मीन्स आपका एग्ज़ाम टोटल 300 नंबर का लिया जाएगा टाटा स्टील JET 2022 में। दोस्तों ये रहा आपका सिलेबस इंग्लिश और जीके का, आप बढ़िया से दोस्तों इसे स्टडी कर ले। ये सब चैप्टर से दोस्तों आपके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा इंग्लिश और जीके का। आप यहाँ देख सकते हैं दोस्तों रिसेंट अपॉइंटमेंट्स, हु इज हु, रिसेंट रिकॉर्ड्स, करंट अफेयर्स, ये सब दोस्तों क्वेश्चन आपका आएगा। वॉइस मॉडल, क्लाउस एनालिसिस, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, वन वर्ड, सब्स्टिट्यूशन, ये सब दोस्तों इंग्लिश और जीके में आपका क्वेश्चन रहेगा। दोस्तों जीके के बाद अब आते हैं मैथ में। दोस्तों मैथ में आपको ये सब क्वेश्चन देखने को मिलेगा, आप इस चैप्टर को दोस्तों बढ़िया से तैयारी कर ले तभी आप इस एग्ज़ाम को क्रैक कर पाइएगा। नंबर सिस्टम दोस्तों सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, रियल नंबर, पॉलीनोमियल, स्क्वाड्स, ये सब दोस्तों आप चैप्टर मैथ में जरूर कंप्लीट करें। ये है दोस्तों ऑफिशियल सिलेबस आपका, जो कि टाटा स्टील JET एग्ज़ाम में आपको पूछा जाएगा मैथ में। दोस्तों अब बात करते हैं दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट माइनिंग में। माइनिंग में दोस्तों आपको टोटल 50 क्वेश्चन दिया रहेगा। दोस्तों आप इस सब्जेक्ट को बढ़िया से देख लेना, आपका दोस्तों माइनिंग में जो सिलेबस रहेगा वो ये सब रहेगा, अप्लाइड साइंस, सर्वाइंग, बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग इन माइनिंग, माइनिंग जियोलॉजी, इंट्रोडक्शन टू माइनिंग, माइनिंग प्रैक्टिस, अंडरग्राउंड, मेटल फ्रियस माइनिंग, सरफेक्स माइनिंग, मैकेनिकल टेक्नोलॉजी माइनिंग, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इन अंडरग्राउंड माइन्स मॉड्यूल 1, माइनिंग एनवायरमेंट, कोल माइन्स, ब्लास्टिंग टेक्निक्स इन माइन्स, माइन सर्वाइंग, मिनरल रिकवरी माइन, मशीनरी, लिग्नेशन एंड जनरल सेफ्टी, और रॉक मैकेनिक्स एंड ग्राउंड कंट्रोल, ये सब दोस्तों आपका सिलेबस रहेगा माइनिंग में। तो टोटल दोस्तों आपने देख लिया चारों सब्जेक्ट में आपका क्या क्या सिलेबस पूछा जाएगा, कितना नंबर का आएगा दोस्तों, और नेगेटिव मार्किंग कितना रहेगा, ये सब आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। दोस्तों अब इसके बाद बात करते हैं दोस्तों आपका जो कटअप रहेगा वो टाटा स्टील JET 2022 में आपका कटअप कितना जा सकता है एस सी एस टी और ओ बी सी के लिए। दोस्तों बात करते हैं आपका कटअप बहुत जाता है दोस्तों, मैं आपको पूरा क्लियर तो नहीं बता सकता हूँ, लेकिन आपका कटअप दोस्तों एग्ज़ाम में बहुत अधिक जाता है, इसलिए दोस्तों आप एग्ज़ाम में अच्छे से प्रिपरेशन करके जाए तभी आप इस एग्ज़ाम को क्रैक कर पाइएगा। ये था दोस्तों छोटा सा वीडियो, और अगर आपको दोस्तों टाटा स्टील JET का सैंपल पेपर चाहिए आप कमेंट में ज़रूर लिखें। दोस्तों मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों आपका टाटा स्टील का जो सैंपल पेपर है वो करवा दूंगा दोस्तों अवेलेबल। तो ये था दोस्तों एक छोटा सा वीडियो टाटा स्टील JET के बारे में, कि आपका सिलेबस पैटर्न एग्ज़ाम
का जो सैंपल पेपर है वो किस टाइप से रहेगा। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।